इस सीसीटीवी तस्वीरां नूं ध्यान नाल देखो ते सुनो भी। देखो किवें पुलिस वाला एक दुकानदार दे कोल जो कि मनी एक्सचेंजर दा काम करदा है उसदे कोल आउंदा है, किसे दे फोन ते गल करदे करदे कहिंदा है कि 5000 रुपए मैनू दे दो, मैं गूगल पे तुहानू कर दांगा, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दांगा। पहला तो दुकानदार ना नुक्कर करता है, फिर वो वर्दी दे विच उस शख्स जो कि ठग है पुलिस वाला है उसनू देख के विश्वास कर लैंदा है ते 5000 रुपए उहनू दे दिंदा है। जिवें ही 5000 रुपए मिलते ने नाल दी नाल ये पुलिस वाला मौके तो फरार हो जाता है। जांच करन तो बाद पता चलिया कि ये पुलिस वाला एक नहीं कई दुकानदारां दे नाल इस तरीके की ठगी कर चुका है। बाद दे विच जब दुकानदार ने शिकायत की तो इस पुलिस वाले नू गिरफ्तार भी कर लिया गया है ते इस खिलाफ 420 दा मामला भी दर्ज कर दिता गया है। तो दस दिए कि मामला हिमाचल दे बद्दी तो सामने आ रहा जिथे मेन बाजार दे विच साई रोड ते एक मोबाइल दुकान ते जिहड़ा कि मनी एक्सचेंजर का भी काम करता सी, मोबाइल दुकान ते पुलिस कर्मी आउंदा है ते हज़ारां रुपए की धोखाधड़ी कर जांदा है। ये सारी धोखाधड़ी ते जिहड़ी प्लैनिंग वो करके आया सी ये सारा कुछ सीसीटीवी दे विच कैद हो गया। तस्वीरां दे नाल नाल ऑडियो भी कैद हुई है, एक बार फिर तुसीं ध्यान नाल सुनो फिर पुलिस ने की एक्शन लिया वह भी जाणांगे। कल जो है हमारे पुलिस थाना में कंप्लेंट आई थी बद्दी में कि एक व्यक्ति जो द्वारा जो है पुलिस की वर्दी पहन के एक दुकानदार से बद्दी में ही जो है 5000 रुपये ले गया और उसको बोला था कि गूगल पे से पे करेगा पर कोई पेमेंट नहीं की। और ऐसी ही कंप्लेंट कुछ और लोगों द्वारा भी बद्दी एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में दी गई थी कि पुलिस वर्दी में एक जवान जो है उसने ऐसा कार्य किया है। तो जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो और उसके बाद उस व्यक्ति का जब ढूंढा गया तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया इस कंप्लेंट के आधार पर, और वो कंप्लेंट व्यक्ति जो है शिव धीमान जो भूपनगर का निवासी है वो पाया गया है और ये 2019 से पुलिस में भर्ती है और अभी जो है हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में जो है जुंगा में जो है अभी कार्यरत है। और अभी ये व्यक्ति जो था छुट्टी पे आया था और उसने जो है ये पुलिस की वर्दी में जो है कुछ लोगों के साथ जो है गलत तरीके से जो है चीटिंग की है। तो इस संदर्भ में पुलिस थाना बद्दी में 420 IPC के अंतर्गत जो है FIR दर्ज करके इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। सर क्या इसे कोर्ट में पेश कर दिया गया अभी? नहीं, अभी आज इसको जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस सीसीटीवी तस्वीरां नूं ध्यान नाल देखो ते सुनो भी। देखो किवें पुलिस वाला एक दुकानदार दे कोल जो कि मनी एक्सचेंजर दा काम करदा है उसदे कोल आउंदा है, किसे दे फोन ते गल करदे करदे कहिंदा है कि 5000 रुपए मैनू दे दो, मैं गूगल पे तुहानू कर दांगा, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दांगा। पहला तो दुकानदार ना नुक्कर करता है, फिर वो वर्दी दे विच उस शख्स जो कि ठग है पुलिस वाला है उसनू देख के विश्वास कर लैंदा है ते 5000 रुपए उहनू दे दिंदा है। जिवें ही 5000 रुपए मिलते ने नाल दी नाल ये पुलिस वाला मौके तो फरार हो जाता है। जांच करन तो बाद पता चलिया कि ये पुलिस वाला एक नहीं कई दुकानदारां दे नाल इस तरीके की ठगी कर चुका है। बाद दे विच जब दुकानदार ने शिकायत की तो इस पुलिस वाले नू गिरफ्तार भी कर लिया गया है ते इस खिलाफ 420 दा मामला भी दर्ज कर दिता गया है। तो दस दिए कि मामला हिमाचल दे बद्दी तो सामने आ रहा जिथे मेन बाजार दे विच साई रोड ते एक मोबाइल दुकान ते जिहड़ा कि मनी एक्सचेंजर का भी काम करता सी, मोबाइल दुकान ते पुलिस कर्मी आउंदा है ते हज़ारां रुपए की धोखाधड़ी कर जांदा है। ये सारी धोखाधड़ी ते जिहड़ी प्लैनिंग वो करके आया सी ये सारा कुछ सीसीटीवी दे विच कैद हो गया। तस्वीरां दे नाल नाल ऑडियो भी कैद हुई है, एक बार फिर तुसीं ध्यान नाल सुनो फिर पुलिस ने की एक्शन लिया वह भी जाणांगे। कल जो है हमारे पुलिस थाना में कंप्लेंट आई थी बद्दी में कि एक व्यक्ति जो द्वारा जो है पुलिस की वर्दी पहन के एक दुकानदार से बद्दी में ही जो है 5000 रुपए ले गया और उसको बोला था कि गूगल पे से पे करेगा पर कोई पेमेंट नहीं की।
और ऐसे ही कंप्लेंट कुछ और लोगों द्वारा भी बद्दी एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में दी गई थी कि पुलिस वर्दी में एक जवान जो है उसने ऐसा कार्य किया है। तो जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो और उसके बाद उस व्यक्ति का जब ढूंढा गया तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया इस कंप्लेंट के आधार पर, और वो कंप्लेंट व्यक्ति जो है शिव धीमान जो भूपनगर का निवासी है वो पाया गया है। और ये 2019 से पुलिस में भर्ती है और अभी जो है हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में जो है जुंगा में जो है अभी कार्यरत है। और अभी ये व्यक्ति जो था छुट्टी पे आया था और उसने जो है ये पुलिस की वर्दी में जो है कुछ लोगों के साथ जो है गलत तरीके से जो है चीटिंग की है। तो इस संदर्भ में पुलिस थाना बद्दी में 420 IPC के अंतर्गत जो है FIR दर्ज करके इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। सर, कैसे कोर्ट में पेश कर दिया गया अभी? नहीं, अभी आज इसको जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।